धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो इससे परिवार के लोगों सहित कई पीढ़ियों को पितृदोष का दंड झेलना पड़ता है। जी हाँ, आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष की शुरुआत 11 सितंबर से होने जा रही है। इस दौरान अगले 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण के जरिए पितरों को संतुष्ट किया जाएगा। श्राद्ध पक्ष में नियम है कि इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है और उनकी नियमित कौवों को भी अन्न जल दिया जाता है। पितृदोष के नियम न अपनाने से परिवार में समस्याओं का सिलसिला लगा रहता है। पितृदोष के कई लक्षण दैनिक जीवन में भी दिखाई देते हैं। दिल्ली के आचार्य गुरमीत सिंह जी ने बताया कि पितृदोष के लक्षण और पितृदोष के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करें। परिवार में किसी सदस्य का अस्वस्थ रहना, इलाज कराने के बावजूद भी परिवार में हमेशा किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना पितृदोष का कारण है। हो सकता है बार बार दुर्घटना का शिकार होना पितृदोष के कारण व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है, साथ ही उसके जीवन में होने वाले सभी मांगलिक कार्यों में किसी न किसी कारण से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। परिवार में किसी सदस्य का अविवाहित रहना, परिवार में किसी सदस्य का विवाह न हो पाना भी पितृ की नाराजगी को दर्शाता है। परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो विवाह योग्य है लेकिन विवाह नहीं हो रहा हो, इसके अलावा परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह होने के बाद भी तलाक हो जाना या किसी कारण अलग रहना भी पितृदोष है। संतान सुख ना मिलना पितृदोष के अशुभ प्रभाव से संतान सुख में बाधा आती है। यदि संतान हो भी जाए तो वह मंदबुद्धि, विकलांग या चरित्रहीन हो जाता है। परिवार में कलह और अशांति बनी रहती है। धन संपत्ति से परिपूर्ण होने के बावजूद भी परिवार में एकता नहीं रहती। पितृदोष होने से घर परिवार में हमेशा ही कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। पूर्वजों के मृत्यु की तिथि के दिन ब्राह्मण भोज कराना, श्रद्धा पूर्वक दान देना उत्तम होता है। संध्या के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो पितृपक्ष के दौरान जरूर जलाएं। कुंडली में यदि पितृदोष है तो इसके अलावा किसी कुंवारी कन्या का विवाह कराएं। यदि विवाह नहीं करा सकते हैं तो किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करें। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाएं और प्रतिदिन स्मरण करें। इससे पूर्वजों की नाराजगी कम होती है और पितृदोष का प्रभाव भी कम होने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई पी एन।